अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब होंगे खैर के जीत से। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सर, आज हम लोगों का स्कूल का चौथा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। स्कूल तो वो 15 अगस्त को गया था, लेकिन हम लोगों ने जाना स्टार्ट किया था 20 अगस्त से। लेकिन जो आज का दिन है ना, आज के दिन व्लॉग बनाना बनता था। इस हिस्टोरिकल मोमेंट, ये इतना मज़ेदार मोमेंट होने वाला हमारा आज स्कूल के अंदर, उसे ज़रा रिकॉर्ड कर लिया जाए। खैर भाई, आज है जी तुम लोगों का चौथा दिन स्कूल के अंदर। इन खैर तुम लोगों का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज स्कूल में सुना दिया जाएगा पूरे स्कूल का प्रीफेक्ट और स्कूल के जितने भी बॉयज हैं उन सब का कंट्रोल आपके क्रिएटर बॉय को मिल जाएगा। बाकी गर्ल्स का एक गर्ल है उसको मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा मेन काम होने वाला है वो लड़कों से रिलेटेड ही होगा। क्या लड़कों की चेकिंग करनी होगी, इनके नाखून, बेल्ट, टाई, यूनिफॉर्म उनका पूरा है या नहीं, उसके अलावा वो क्या चीज़ दूसरी पहन के आते हैं जो कि अलाउ नहीं है, हेयर स्टाइल हो गया और चीज़ होगी, इनका बैग चेकिंग होगी, क्या करते हैं, कैसा पढ़ते हैं, सब जो चेकिंग है आपके भाई को सिर्फ करनी होगी। तो खैर अभी 7:10 हो रहे हैं, तो स्कूल जाने का हो चुका है टाइम। मैं ज़रा बॉटल में पानी भर लूँ, फिर मैं जाऊँगा स्कूल। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं जी स्कूल से आने के बाद। फाइनली जी मैं आ चुका हूँ स्कूल से, और क्या ही मज़ेदार दिन था। पूरी कहानी सुनाने से पहले मैं ज़रा कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि अभी आप लोग मेरी हालत देखें तो कुछ खास नहीं है। मैं ज़रा कर लूँ कपड़े चेंज, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। फाइनली मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी खा लिए 7 PM का, और इस वक्त 2:16 हो रहे हैं। जब आपका बताया था तब 1 भी नहीं बजा था, टाइम इसलिए लग गया क्योंकि खाना खाने के बाद फिर आपका भाई बाजार चला गया, बाजार से आया तो टाइम लग गया उसके अंदर। तो अब मैं बताता हूँ स्कूल में मेरे साथ आज क्या हुआ। जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, स्कूल जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के दिन फैसला होगा क्या आपका भाई प्रीफेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं गया, मैं सुबह जाते ही सब लोगों की स्कूल की चेकिंग की, यू नो थोड़ा भरम रहा, हेलो इधर इधर चेकिंग करा, ये चीज़ है कि नहीं, हेलो तुम इधर, हाँ शूज़ वगैरह ठीक ठाक है, कल से चेंज कर लेना, ये टाइप का मैंने जो है वो करना शुरू कर दिया। अभी फैसला होना था, फिर आती है वो घड़ी। 1 घंटे पहले मुझे मैम बुला लेती हैं अपने पास 10:30 से पहले कि इधर आओ, और मुझे मैम बुलाती हैं और वो कहती हैं कि अब हम फाइनली हेड बॉय बना रहे हैं, काइंड ऑफ अ परफेक्ट मोनीटर जो भी कह लो, पर पूरे स्कूल का। देखते हैं आपका भाई कैसे ये सब निभा पाता है, उम्मीद तो करते हैं ऐसे निभा पाए। बस फर्स्ट डे ऐसे ही था मेरा, सो मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज हम लोगों का दूसरा दिन। भाई इस वक्त फ़िलहाल 7:05 हो रहे हैं, और अभी फ़िलहाल ज़रा नाश्ता पानी चल रहा है। हम लोगों का सेकेंड डे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, वेरी खुश, बिकॉज आज से हम लोगों की जो ड्यूटी है ना बिल्कुल प्रॉपर शुरू होने जा रही है। तो यार आज मैं पहले ज़रा नाश्ता कर लूँ, क्योंकि फिलहाल थोड़ी एनर्जी है ना थोड़ी डाउन है, आपको भी फील हो रही होगी, तो मैं ज़रा पहले कर लूँ नाश्ता, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो यार फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल का जो टाइम है वह पहुँच चुका है 7:14 गला दिख नज़र आ रहा होगा। खैर मिलते हैं फिर आप लोगों से स्कूल के स्कूल से आके कि आज हमारे साथ स्कूल में क्या क्या हुआ है। फाइनली मैं स्कूल से आ चुका हूँ और मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मैं सब कुछ बताऊँ कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज मेरे साथ क्या क्या अजीब चीज़ें हुई हैं। चीज़ सब बताने से पहले माजरत के साथ, जो मोटर का शोर है ये थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जी अभी फ़िलहाल जुमा पढ़ने के लिए। घर वाली जो साथ वाली मस्जिद है उधर जुमा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, भाई आपका जा रहा है जी लेडीज़ के घर, हम लोग उधर जाके नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज अदा कर ली है, अब जरा स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरी। भाई जन सीन कुछ इस तरह होता है, आज आपका भाई स्कूल में एंट्री लेता है, काफ़ी खुश होकर काफ़ी एक्साइटेड होकर कि आज बड़ा सा मज़ेदार दिन गुजरने वाला है, प्रीफेक्ट बन चुके हैं, पूरे बॉयज़ का कंट्रोल मिल चुका है। असेंबली होती है तो उसके बाद फ़ौरन बाद बहुत ही खौफनाक दर्दनाक एक चीज़ हमें पता चलती है कि ड्रम लेके आओ, पीटी होने वाली है। भजन सिंह कुछ इस तरह से होता है, पीटी पहले 3 महीने पहले मैंने ही कराई थी और मुझे कख याद नहीं कि क्या करना। तो यार बस सीन इस तरह था, हो गया था, मैंने फिर बेशर्मों की तरह ढीठ बन के मैं से पूछ लिया, मिस 3 महीने हो गए मुझे कुछ नहीं आता, मिस को मैं देखी जाऊँ, मिस फिर मुझे देखें, मिस को मैं देखूँ, मिस मैं देखें, मिस मुझे देखें, मिस मुझे देखें, मिस मुझे
तो यार सीन इस तरह से मुझे करानी ही पड़ी पीटी। सिर्फ बॉयज ही थे, तकरीबन दो लाइन बनी हुई थी, एक बड़े बच्चों की एक छोटे बच्चों की। भाई ने जैसे तैसे करके पीटी शुरू करवाई और मैंने बस कि किसी ने अगर पीटी ना की तो उसको रुलाएंगे, चाल ऊपर आ पीटी करा। मुझे कोई शौक नहीं था और ना ही मुझे पता था कि पीटी करानी कैसी है। शायद आपके भाई ने कहा आज तो फिर दो मिनट पीटी करेंगे, और मुझे पूरा पक्का था कि आज तो किसी ने ऐसे गलत करना है, दो तीन बच्चों ने उन्हें ऊपर बुला के उनसे पीटी करवाऊंगा उनसे मैं। किसी ने गलत नहीं किया, सारे सही कर लिए उसने। मतलब यार ये क्या तरीका था, सारे उस दिन आज सारे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। मतलब जिस दिन तुम लोगों को गलत करना है मैंने तुम लोगों को बोला सारे, मैं कह रहा हूँ वन दूसरे करे वन, मैं कह रहा हूँ टू के टू, एटीट्यूड दिखा रहे थे मुझे डेले कट कट के। दुआ तो करता हूँ, बड़ी मेहरबानी मेहरबानी मेरे। तो खैर मैं कुल्फी इंजॉय कर लूँ, और आज की आपको मैंने स्कूल के सीन्स मिला बता दिए, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तीसरा दिन शुरू हो चुका है हम लोगों का। इस वक्त फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30, और आपका भाई उठ के नाश्ता वगैरह किया और आज का दिन शुरू करते हैं। स्कूल नहीं गया, क्या सीन है, सैटरडे आज है इसकी वजह से छुट्टी है हम लोग को। लेकिन अगले मंडे टू फ्राइडे से एक रूल जो स्टार्ट होगा वो ये होगा, पूरे स्कूल में किसी बच्चे ने भी छुट्टी करी ना तो सैटरडे को भी स्कूल ऑन रहेगा। जो किसी तरह से ये बात है कि सैटरडे को स्कूल ऑन ही रहा करेगा। ये सैटरडे तो हम इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे से छुट्टी ख़त्म हो जाएगी इसकी। बस डर लगा हुआ है वो संडे का लगा हुआ है, संडे वाले दिन कुछ करना दे क्योंकि संडे को तो यार छुट्टी है ही। तो स्कूल आज जाना नहीं है, तो आज हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सीन्स कुछ ऐसे हैं, हम लोगों ने आज पढ़ना जो है वो ये है कि यार फ्राइडे को जो हम लोग गए थे तो उसमें ज़्यादा काम नहीं किया था, सिर्फ मैथ्स का किया था। बाकी जो सारा काम था मिस ने बता दिया था कि क्या क्या करके लाना है। इंग्लिश भी है, इंग्लिश का मैंने पहले कर लिया था उधर जाकर ना, और इस्लामियत का है, और कुछ और सब्जेक्ट हैं इनका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी करने हैं। वो बस एक ही हैं, तकरीबन तीन चार काम है वो करेंगे इंशाल्लाह। साइंस का मेरे ख्याल भी है तो इंशाल्लाह वो करेंगे। उसके बाद फिर आज जो हम लोग ने सारा काम निपटा देंगे स्टडी वाला, फिर अगले दिन ये व्लॉग जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। काम करने से पहले आप लोगों को मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी है, मैंने कहा आपको भी अच्छी लगी होगी। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हम लोगों ने इस अपनी प्यारी वॉल पे लगाया था पाकिस्तान का फ्लैग, उसके बाद फिर आए ये टैटूज़, जो इसकी कलेक्शन जो है ना वो इतनी काफ़ी है। उसके बाद माशाल्लाह हम लोगों ने अब स्टार्स भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये रहा अपना कैटरपिलर वाला छोटा सा कंप्यूटर शीट पे लिखा हुआ चार्ट, यहाँ से आप इसकी लुक चेक करें, इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। ओवरऑल काफ़ी प्यारी लग रही है वॉल, लेकिन अभी तक ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे स्पेस है, तो मेरे हिसाब से भी सिर्फ यहाँ पर एक लाइन ही कम्प्लीट हुई है, बाकी दो लाइन जो है ना हम लोगों को कम्प्लीट करनी है, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। फाइनली मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस एक रहता है इंग्लिश बी का, वो खैर मैं शाम को कर लूँगा इंशाल्लाह। एक बज चुका है और 1 बजे 3 बज गए तकरीबन, मैंने आपको बताया था 10:30 बजे के करीब, और 1 बज गए तकरीबन, 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई के अलावा भी हमेशा काम जो है वो निकल आते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ काम निकल ही आते हैं, मतलब मैं आराम से पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाता हूँ। ओके सर, अभी फिलहाल मैंने कूलर पंखा सब बंद कर दिया है, टाइम आप लोगों के सामने ही है, मुझे सब मैंने बंद क्यों किया। सबसे पहले तो यार एक काइंड ऑफ वेरी अजीब चीज़ हो रही है टीवी के साथ ना आजकल, लाइक ये जब मैंने लास्ट टाइम कैमरा ओपन करके कैसे बात की थी कि जस्ट एंजॉइंग टीवी बिकॉज माय होमवर्क ऑफ स्कूल इज़ ऑलमोस्ट डन, देन मैंने देखा कि कूलर चल रहा है, पानी इसका काम था ना, सो मैंने भर दिया, मैं गया, रिमोट मेरे पास था, अभी फ़िलहाल ये पड़ा हुआ है। व्हाट आई डू विद दिस कि मेरी है ना ट्राउज़र का पॉकेट है ना, तो इसके अंदर मैंने रख दिया, आँख बंद करके जितना बाहर चला गया, तो पानी बढ़ना शुरू कर दिया। अंदर ना मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, वीडियो मैंने पॉज कर दी है, मैं बाहर चला गया हूँ, पानी भर रहा हूँ लगाए, जैसे स्टार्ट किया मैं पानी पकड़ के से अंदर देखने के लिए आ ही रहा हूँ तो वीडियो प्ले हो गई है। होता है, नॉर्मल है, हो जाता है।
लेकिन जब मैं ऐसे पानी अंदर भरने गया हूँ एंड रिमोट को निकाल देखा है तो वीडियो जो स्टॉप हुई हुई है वो वीडियो है ही नहीं। जो वाली मैं वीडियो देख रहा था वो वीडियो स्टॉप ही नहीं हुई है, वीडियो चेंज हो चुकी है, मुझे पता नहीं है, आवाज़ आ रही है तो इतना ध्यान नहीं दिया कि वॉइस पे कौन बोल रहा है, किसकी वीडियो है, तो वीडियो चेंज हो चुकी है और वीडियो स्टॉप हो चुकी है। वीडियो स्टॉप तो मैंने बाहर से कर लिया था क्योंकि स्मार्ट टीवी तो ब्लूटूथ से कनेक्ट था ना, तो जिसकी वजह से अब बाहर से छत पे जाऊँ चीज़ें हर जगह पे बहुत हाई इसका कनेक्शन है तो वो चल जाता है ना, एंड ये कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। मोबाइल कनेक्शन वो पेयर मांगता है आधी आधी से भी ज़्यादा खा ली इसने, आई नो कितना अच्छा फोकस कर पा रहा है भाई। दूर से देखो एक चॉकलेट दी है, टेस्ट टेस्ट क्या रिव्यू, चॉकलेट चॉकलेट ही है बेहतरीन। और आई थिंक 3 दिन से व्लॉग बना रहे हैं, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।